गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। बहुत सारे लोगों को मुंह में स्मेल की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत अच्छे से अपने दांतों की क्लीनिंग करते हैं फिर भी उनके मुंह से स्मेल आती है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज के टाइम में। तो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट होके। आज के टाइम में पर्सनैलिटी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बन चुका है। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर हर एक इंसान सीरियस हो चुका है, लेकिन महंगे कपड़े पहनने को और महंगे परफ्यूम लगाने को पर्सनैलिटी नहीं बोलते। पर्सनैलिटी का मतलब वो होता है, चाहे इंसान 100 रुपये की ड्रेस पहने, लेकिन ड्रेस एकदम हाइजेनिक होनी चाहिए, आपकी फिटनेस होनी चाहिए, आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी बॉडी के जो भी पैरामीटर हैं, BMI है, आपका वेट है, आपकी बॉडी एज है, वो प्रॉपर एक वे में होने चाहिए, वो प्रॉपर बैलेंस होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। आज के टाइम में 70% लोग क्या करते हैं, बॉडी से बिल्कुल अनफिट होते हैं, लेकिन ब्रांडेड कपड़े पहनने को पर्सनैलिटी समझते हैं। तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करें, अपनी पर्सनैलिटी को बना के रखें, क्योंकि मार्केट में एक वैल्यू उसी इंसान की होती है जिसकी पर्सनैलिटी 100% बैलेंस होती है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ये नोटिस किया है, और आज हर घर में ये कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है कि इंसान दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जब उससे हम बात करते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी जीरो हो जाती है। पता है क्यों? अपने मुंह से गंदी स्मेल की वजह से। बाहर से बंदा बहुत ब्रांडेड परफ्यूम लगा के आता है, ब्रांडेड ड्रेस पहन के आता है, लेकिन एक स्मेल की वजह से उसकी पर्सनैलिटी जीरो हो जाती है। और हम जब डॉक्टर के जाते हैं तो लाइन लगी होती है ऐसे पेशेंटों की, डॉक्टर बोलता है 2 टाइम ब्रश कीजिए, नमक के कुल्ले वगैरह कीजिए, लेकिन फिर भी उनके मुंह से स्मेल आती है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारा खान पीन ऐसा हो चुका है कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहता ही नहीं है, हमारी बॉडी में गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हमारे मुँह से गंदी स्मेल आती है। तो हम सोचते हैं कि मैं ब्रश 2 टाइम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे मुँह से स्मेल क्यों आती है? तो उसका मेन रीज़न यही है, क्योंकि सारा बॉडी का जो कनेक्शन है हमारे पेट से होता है, और हमारे पेट में जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता तो प्रॉब्लम हमारे मुंह से बाहर निकलती है। तो आपको भी डेफिनेटली ऐसे लोग मिले होंगे, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, आपकी फैमिली में कोई ना कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में एक बच्चा है हमारे, उसके मुँह से ऐसे स्मेल की प्रॉब्लम थी। तो बच्चों को जब लाड़ प्यार करते हैं तो उससे बड़ों को भी फैल गई, और जब डॉक्टर को काफ़ी टाइम तक दिखाया तो डॉक्टर ने बोला 2 टाइम आप ब्रश कीजिए। 1 महीने तक इस चीज़ को फॉलो किया, 2 टाइम ब्रश किया, नमक के कुल्ले किए, लेकिन जब तक वो करते हैं 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, 1 घंटे बाद फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ, ऐसा तरीका, 2 दिन उसको फॉलो किया तो आपके 100% रिजल्ट आने वाला है, लेकिन आपको उसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हम खुद किसी के साथ बैठते हैं तो बहुत अनकम्फर्ट फील करते हैं, अगर हमें ये प्रॉब्लम होती है तो हम बाहर से कैसे भी दिख रहे हों वो मैटर नहीं करता, सामने वाला हमें जज कर लेता है कि हम क्या हैं। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, आपका ड्रेस कोड, आपके जूते, आपके हेयर स्टाइल, आपकी स्किन, आपकी फिटनेस, हर चीज़ आपकी हाइजेनिक होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको बासी मुँह एक गिलास गुनगुना पानी लेना है। वो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपका अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो उस चीज़ से आपके डाइजेशन में बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि हमारे मुँह की जो लार होती है हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। तो आपको बिना खुला किए हुए 1 गिलास गुनगुना पानी सुबह उठते ही पीना है। उसके बाद आपको ब्रश करना है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपकी हैबिट में है तो आप 2 टाइम ब्रश करें, अगर नहीं है तो सुबह आप रोजाना ब्रश करते ही हैं। ब्रश करने के बाद में जो फिटकरी आती है, ये वाली आप देख रहे होंगे अच्छे से, ये वाली, इसको अच्छे से पीस कर आपको एक डब्बे में डाल लेना है, बिल्कुल बारीक पीस कर, और जब आप सुबह ब्रश करें उसके बाद में आपको एक इस तरह से एक पिंच, ज़्यादा नहीं, ओनली एक पिंच, जैसे बारीक चीनी होती है हमारी, बारीक वाली चीनी होती है, उसके 8 से 10 दाने आ जाएं बारीक बारीक, बस इतनी लेनी है और पानी में डालना है। पानी कितना लेना है आपको, सिर्फ इतना सा, गिलास को सिर्फ इतना सा भरना है, गिलास को सिर्फ इतना भरना है, उसके अंदर आपको ये पिंच फिटकरी की डालनी है ठंडे पानी में, और इन दोनों को मिला के 5 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद में उस पानी के कुल्ले करने हैं आपको, जब आप कुल्ला करते हैं उसके 1 घंटे बाद तक आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है,
आप अगर 2 दिन आपने ये कर लिया, आप कितनी ही पुरानी प्रॉब्लम है, कितनी ही भयंकर प्रॉब्लम है, आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगी आप। लेकिन आपको ये 2 टाइम करना है, एक सुबह और एक रात को सोते टाइम। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप दोनों टाइम ब्रश करके उसके बाद कीजिए, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शाम को बिना ब्रश किए भी ये करके उसके बाद आपको सोना है। ये आप छोटे बच्चे को भी करवा सकते हैं, आप बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कुल्ला करने के बाद 1 घंटे तक आपको ना पीना है कुछ, ना खाना है। ये आपके दांतों के लिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि फिटकरी ये सेफ़ तो है क्या? ये डेफिनेटली सेफ़ है आपके दांतों के लिए। मेरी पूरी फैमिली इसको यूज करती है, मैं खुद इसको यूज करती हूँ, क्योंकि भले ही हमारे मुँह से स्मेल नहीं आ रही, भले ही हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मुँह के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं कुछ, जो धीरे धीरे इन फ्यूचर हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं खुद रोजाना इसको एक बार यूज करती हूँ। आपके अगर किसी के प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली ये यूज करवाएं। बड़े बुजुर्ग जो हमारे मम्मी दादी पापा वगैरह होते हैं, उनकी हैबिट में नहीं होता रोज़ ब्रश करना, तो उनको ये करवा सकते हैं आप। आप बच्चों को ये करवा सकते, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गाइस, अगर मेरा ये सुझाव आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिला है, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को दबा के शेयर करना, ताकि जिसके भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन मिल सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है आप अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हो कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ पे वीडियो बनाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालिए, मैं डेफिनेटली उसका जरूर रिप्लाई करूँगी और आप तक उसका सोल्यूशन ज़रूर पहुँचेगा। तो गाइस, आज का टॉपिक यहीं तक था। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें।